एक नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक कौन सा आंसर? ए नंबर में जूल, बी नंबर में न्यूटन, तीन नंबर में है वॉट और चार नंबर में डाइम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर जूल। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दो नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी इकाई है? तो दूरी की। अगला क्वेश्चन है तीन नंबर, एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो आंसर सी होगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी एम्पियर होता है, तो एम्पियर मात्रक किसका है? तो विद्युत धारा का। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों चार नंबर, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है दोस्तों? अधिवर्ष की, चंद्रमा की, प्रकाश वर्ष की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष है जो समय नहीं है, इसका आंसर सही होगा दोस्तों सी नंबर। अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर, पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। छः नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सात नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। तो ये किसका मात्रक हो गया? तो ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है ल्यूमेन। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आठ नंबर, पास्कल इकाई है, दोस्तों हम लोग जानते हैं दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल। उसी को ये उल्टा करके लिख दिया, पास्कल इकाई है, तो किसकी इकाई है दोस्तों? तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है जो इकाई होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, दाब। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कैंडिला, नौ नंबर, कैंडिला मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है दोस्तों? एक नंबर में ज्योति फ्लक्स, दो नंबर में है ज्योति प्रभाव, और तीन नंबर में ज्योति दाब, और डी नंबर में ज्योति तीव्रता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, ज्योति तीव्रता। नौ का आंसर होगा ज्योति तीव्रता, डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है दस नंबर, यंग प्रस्थापना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्यारह नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो किसका नहीं है दोस्तों? ए नंबर का जो समान सूत्र नहीं है, बल एवं दाब का। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बारह नंबर, अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसमें से कौन होगा दोस्तों? ऊर्जा एक अदिश राशि है, बारह का ए नंबर में ही इसका आंसर मिल गया दोस्तों, बारह का ए होगा आंसर, अदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों तेरह नंबर में, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इसमें से सदिश पहचानना है, ए नंबर में है वेग, बी नंबर में है द्रव्यमान, सी नंबर में है समय, डी नंबर में है लंबाई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तेरह नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा वेग, जो एक सदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है चलिए देखते हैं चौदह नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो चौदह नंबर का आंसर होगा दोस्तों सी द्रव्यमान, इसका आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान। अगला पंद्रह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का जो है एक नंबर में ऑप्शन कर रहा है समान गति होती है, इसको आपको चुनना है दोस्तों चारों ऑप्शन में से। दूसरा ऑप्शन कर रहा है बी नंबर, समान वेग होता है, आपको बताना है इसके बारे में, सी समान त्वरण होता है, या डी समान बल होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, इसका मैं आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो सही है आपका आंसर या गलत है। अगर ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो,
तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को ना मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और वीडियोस बनाने के लिए। देखिए दोस्तों मैं कहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ, दुकान के नीचे मैं फर्श पे बैठा हूँ नीचे और वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे पास दूसरा साधन तो नहीं है वीडियो बनाने के लिए, मेरा दुकान है, यहीं पे बैठ कर वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छे से काम करूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।